पहले तो 26 की सोची मैंने। हाँ। फिर मैंने कहा यार ऑफ रोडिंग वगैरह हो गए, चटक वटक जावे, मैंने कहा क्या फायदा। 3 लाख रुपए इनके लिए, पांचों टायर लेवल दोनों, पांचों टायर के साथ पूरा सेट था अपना। ये हो गया ना, भी ऐसी ऊंची सी खतरनाक सी लगा। आप जहाँ मर्जी खुदाओ गाड़ी को, अब 4x2 फंस गई फिर क्या करोगे, थारी कैसे रह जाएगी यार भाई। अगर 4x4 नहीं तो वो थारी नहीं है ना भाई। ये देखो पीछे अपने लगे हुए हैं 2 बूफर, पलवे पलवे सब फ्यूल कॉन्ट्रा चल रही वीडियो में, मैंने थोड़ा अलग ढाला, कुछ अलग ही ला रहा है ना। 30,000 का बम्पर है ना, तो ये हो गया। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज हम भाई ऐसी थार लेके आए कि अपने चैनल पे तो भाई पहली बार रहने वाली है, और जब भाई मैंने देखी ना इसके अलॉय व्हील भाई एक नंबर, और बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन कराई है भाई ने, तो सारी चीज हम ए टू जेड दिखाने वाले हैं। पीछे जाओ अगर किसी ने सिनेमैटिक शॉट भाई स्किप करें तो जाके वो देखो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एडिटिंग करने में और बनाने में। तो भाई का इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अपना डेली व्लॉगिंग चैनल भी आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो, हमें भी सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल भी। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है कुणाल भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया। और भाई गाड़ी तो यार एक नंबर बनाई हुई थार ना भाई, बहुत सारी देखी है आपके जैसी, भाई पहली बार ही देख रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट कराई है ना देखो कुछ अलग ही लाए भाई। तो सब चीज हम डिटेल में बताने वाले हैं, भाई का इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो भाई अगर मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ तो भाई गाड़ी का मॉडल कौन सा है? यो भाई 2022 ऑटोमेटिक पेट्रोल हार्ड टॉप, टॉप मॉडल है भाई, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है ये है ना। तो भाई ये देखो 2022 का मतलब कौन से महीने का वेरिएंट है? अगस्त में, और 7 महीने से गाड़ी ऐसी खड़ी भाई, 7 महीने से ऐसी खड़ी थी। इसमें कुछ करवाना है, फिर मैंने कहा यार इसका नंबर आगे गाड़ी का मॉडिफाई करवा दो, काम हम कर, अब चलानी स्टार्ट हुई। तो 7 महीने से भाई ऐसी खड़ी कर रखी थी भाई ने, है ना। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो भाई फ्रंट से करते हैं, अगर आपको मेन मोटी चीज दिख रही होगी भाई अपनी रेंगलर वाली ग्रिल लगी हुई है ना भाई, ये रेंगलर वाली ग्रिल लगवा रखी है इसमें। हाँ। एक इसमें ये लाइट चेंज अपनी, और बंपर है, बंपर हो गया अपना, इसमें नीचे क्रिस्टल आई की एलईडी है 150 वोल्ट वाली, ये 150 वोल्ट वाली। तो भाई इनका रिस्पॉन्स कैसा है अपनी? भाई ये तो 100 पीस है, ये तो नॉर्मल ही है, मेन फोकस इनका रहा है, इनमें ज्यादा लाइट आवा इनमें ना आती भाई इतनी। तो भाई ये कितने की पड़ी आपको? भाई इसका मुझे रेट नहीं पता, इन वाले इनका ही इसका पड़ा 2500 रुपए का बल्ब, इनका नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, और रैंगलर की ग्रिल का 6,000 6,500 रुपए, 6,500 रुपए। और बंपर अपना भाई? ये भाई 30,000 रुपए का बंपर, 30 ABS वाला, 30,000 रुपए का बंपर है। दो क्वालिटी आती है, एक मेटल आती है। हाँ, एक ABS वाला है, ताकि कल को कुछ दिक्कत भी ना हो, तो ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, मतलब कि थार लगी नहीं रही कहीं से, अगर कोई देखेगा ना
भाई थार कहीं से लग नहीं रही है और सामने से ये सब चीज हो गई, तो और भाई फ्रंट से और कुछ चेंज है या नहीं है? नहीं, फ्रंट में तो भाई ये और ये अपने इसके साथ ही है भाई, ये इससे बम्पर के साथ ही आते हैं भाई। जैसे बम्पर चेंज कराओ ना आप, हाँ हाँ, तो कई बंदे ये चीज लगवाते नहीं है, हाँ हाँ, या मिलती नहीं होगी, तो भाई ये चीज ना ये खाली गैप हो जाता है, ये बहुत ज्यादा बुरा सा लगता है ना। इस चक्कर में मैंने भर जाए, ये चीज इसी के साथ आई थी, बुलहोन इसकी, इसी कंपनी का ये बम्पर है। तो गारंटी वारंटी दी है भाई इसकी कुछ? कैसे गारंटी है भाई, एक साल की गारंटी है। कुछ किस चीज की, मतलब की टूटने फूटने की है कैसे? एक तो प्लास्टिक गल जावे, हाँ हाँ, पानी से धुलवाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कलर फेड नहीं होगा, कलर है जैसे सफेद सफेद से हो जावे है ना, कुछ नहीं होगा भाई इसमें। तो ये तो ये हो गया फ्रंट से, साइड लुक दिखाएंगे, बहुत ही खतरनाक अलॉय डलवाए हुए हैं भाई ने ना, फुल खतरनाक वाले, ऐसी लग रही है भाई अपनी गैंगस्टर थार है भाई। भाई ये देखो, सबसे पहले अब दिखाते भाई आपको अलॉय व्हील, तो अगर मैं इसकी टायर साइज बताऊं तो 33x12 50R22, तो भाई 22 इंची के भाई ये अलॉय व्हील है। तो भाई जब आप लगवाने गए थे तो क्या दिमाग में आया था कि भाई 22 लगवाने, 20 लगाने, 26 28 क्या लगवाना? पहले तो 26 की सोची मैंने, फिर मैंने कहा यार ऑफ रोडिंग वगैरह हो गया, चटक वटक जावे, मैंने कहा क्या फायदा, बाद में देख लेंगे, इस मारे मैंने 22 चलवा दी ऑफ रोडिंग वाली। ये 22 है अपने ऑफ रोडिंग व्हील है अपने, है ना, और ये अंदर भाई बहुत ही ज्यादा डीप है, 12 जे है भाई पूरा अंदर है, देखो ये देखो भाई कितना डीप है ना, 10-10 जे लगवा रहे हैं, 12 जे पूरा अंदर है भाई, ये देख सकते हो। तो भाई ये कितने का क्या पड़ा आपको? यो भाई मेरे कंपनी वाले 40,000 उन्होंने लेस कर दिए, ऊपर से 3 लाख रुपए लिए इनके, 3 लाख रुपए इनके लिए, पांचों टायर अलेवन दोनों, हाँ, पांचों टायर के साथ पूरा सेट था अपना, ये हो गया ना। तो भाई चलाने में कैसा रिस्पॉन्स है? सही है, पर थोड़ी भारी सी होगी गाड़ी, पहले थोड़ी हल्की लगेगी, थोड़ी भागने में थोड़ी भारी सी होगी, वैसे ठीक है गाड़ी, वैसे ठीक है। तो भाई जैसे टायर है अपने ऑफ रोडिंग वाले, तो भाई जब इन्हें जब आप भगाते तो आवाज भी करते हैं क्या नॉइज? नहीं भाई आवाज, मेरे को तो अंदर कहाँ आवाज, डैम्प है गाड़ी। हाँ ये भी है, हल्के फुल्के देखो नॉइज तो रहती है अपनी, जैसे ऑफ रोडिंग व्हील्स होते हैं और सिस्टम चलता है। तो भाई ये हो गया, और एवरेज वगैरह क्या दे रही है भाई इन पे? बहुत तगड़ी लगती है लुक ना भाई, इससे बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो भाई मेरे को ये पता नहीं है इसके बारे में है क्या चीज भाई, कंपनी के ऐसे सही है, जैसे दोस्त यार हो गया, छत पे चढ़ने की दिक्कत हो गया, ऊंची गाड़ी है ये खोल देगा, अच्छा इस पे पैर रखो, इस पे पैर रखो और ऊपर चढ़ जाओ, है ना, जैसे कैंप करना हो, किसी बैठना हो गाड़ी पे, ऊपर ये चढ़ो, ऊपर चढ़ जाओ डायरेक्ट। हाँ तो भाई ये ऐसे है, मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने भाई से पूछ लिया, है ना, देखो सारी चीज पता नहीं होती सभी को ना। तो ये हो गई बाहर की सारी चीजें, हमने ओवरऑल दिखाई, अब स्टार्ट करते हैं भाई अंदर की तरफ, जाते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बूट से स्टार्ट करते हैं, बहुत बंदे कहते हैं भाई आप बूट खोल के दिखाते थार का। तो भाई ये देखो पीछे अपने लगे हुए हैं 2 बूफर, और ये देखो 2 ओवल इधर हो गए रोक फोड़ के, है ना, अच्छा रोक फोर्ड की जाली है, इन्फिनिटी के ओवर है, जाली है वो, इन्फिनिटी का स्पीकर। हाँ तो भाई ये हो गया, और भाई अभी मैंने लास्ट थार की वीडियो डाली थी तो बंदे पूछे थे भाई ये ब्लैक शीशा बाहर से कराया अंदर से, तो भाई अंदर से साइड में कटिंग हो जाती है इनकी, हाँ हाँ, जैसे भाई डीप हो गए ना तो इसमें दिक्कत आती है अगर हम अंदर की तरफ से कराते हैं तो, अच्छा अच्छा चल रही है ऐसे, अच्छा अच्छा। तो भाई ऐसे तो वैसे ना बाहर से करानी चाहिए, अगर आपकी कार में डीप हो गए ना तो भाई बाहर से कराओ, कभी हटाओगे ना तो डिफोगर भी तुम्हारे ऐसे हाथ में आ जाएगा, ऐसा मैंने सुना है, वो होता है नहीं होता वो भाई मुझे नहीं पता, तो जितना मुझे पता है मैंने आपको बताया, पीछे हो गए ये सब चीज़। तो भाई एक बार अंदर आ जाओ पहली तरफ से, मैं दिखा तो भाई क्या क्या करवा रखा भाई ने अंदर। तो ये देखो भाई पूरी जेड ब्लैक है, बिल्कुल अंधेरे वो पड़ा है, इतनी दिन में इतनी तेज़ धूप निकल रही है आज ना, अगर मैं दिखाऊं तो भाई सीट कवर वगैरह भाई ने प्रॉपर अपने चेंज कराए हुए हैं, कंपनी से एसेसरीज में नहीं करवाया है कंपनी से, अच्छा अच्छा, तो ये कंपनी से एसेसरी में आ गई है सारी चीजें, उन्होंने ओनली 35,000 की एसेसरी लगी है इसमें भाई, अच्छा अच्छा, छोटी मोटी नीचे की गाड़ी पूरी प्रोटेक्ट नहीं हो जाती नीचे, एक वो लगी पड़ी है, ये लगी पड़ी है साइड के लाल लाल, 2-3 चीजें छोटी छोटी है साइड की, नाम लिख रहा था ये देखो, हाँ वेलकम प्लेट होगी अपनी, है ना, सारी चीजें लगाई। तो भाई अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम में अपना क्या क्या लग रहा भाई इसमें? भाई सिस्टम में इसमें लग रहा है 4 तो इसमें कॉम्पोनेंट लग रहा है इन्फिनिटी के, 2 ओवल लग रहे हैं, हाँ, 3 एम्प है इसमें, एक मोनो, हाँ एक मोनो, 2 4-4 चैनल के 2 एम्प है, और 4 भाई इसमें TS20 लग रहा है, 2 इसमें कर रहा गया, 2 इधर कर रहा, 2 इधर कर रही है, एक इसके नीचे एम्प है, एक आपकी सीट के नीचे, एक इसके पीछे, अच्छा। पीछे 2 बूफर लग रहे हैं भाई इसमें JBL के। तो भाई ये हो गया पूरा सिस्टम, तो अंदर भाई कुछ इस तरीके का सिस्टम है ना, फ्लैशर लगे हुए हैं ना, तो भाई इनसे ना लुक बहुत ही ज्यादा इनहेंस होते हैं जब रात में जलाते हैं, व्हाइट कलर के जलते अपने और रेड ब्लू भी जलते अपने। तो ये हो गए सारी चीज, अब आपको भाई ऑडियो सुनाने वाले, तो ईयरफोन लगा लें तभी आपको एक नंबर वाला मजा आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब।
मजा रहा है इसमें, है ना भाई। बहुत प्यारी आवाज आ रही है भाई, JBL बोलते हैं ना बहुत बंदे की भाई, मजा नहीं आता भाई, बहुत ही बढ़िया बज रहे हैं ना। तो ये हो गया भाई अपना अंदर, तो भाई हमने सारी चीज दिखा दी। हाँ भाई सारी चीज दिखा दी, तो भाई हमने ओवरऑल सारी चीजें दिखा दी। अगर मैं दिखाऊं तो एवरेज देखो 7.8 की दिखा रही है। तो भाई ये हो गया ये सारी चीज। तो भाई जैसा देखा है आपने कि भाई थार 4x2 लॉन्च होने वाली है, और वो भी भाई 10 लाख का अप्रोक्स में रेट है उसका, 10 से 12 के बीच में भाई, वो 10-12 वो पहुंचेगी 14 तक। हाँ, अब आप 14 लाख रुपए डाल रहे हो उसमें, 4 लाख और डाल के 4x4 के मजे नहीं लोगे भाई। ये भी आप उसे आप जहां मर्जी खुदाओ गाड़ी को, अब 4x2 फंस गई फिर क्या करोगे, थार ही कैसे रह जाएगी यार भाई। अगर 4x4 नहीं तो वो थार ही नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, जब वो 4x4 नहीं थार ही नहीं यार, मजा ही थार का इसलिए 4x4, और थार भाई चली इसलिए रही है क्योंकि 4x4 है वो, है ना, और इतनी कम रेंज में। जहां मर्जी ले जाओ इस गाड़ी है भाई, और लगे भी ऐसी ऊंची सी खतरनाक सी लगे। ये होगी भाई सारी चीज। तो भाई अब ये बताओ कि पूरी गाड़ी भाई कितना पैसा खर्च कर दिया? यो भाई यो अब क्या बताया भाई, 6-6.5 तक मान के चलो भाई, इतना लग चुका है इसमें सारा, अलॉय मिला के, अलॉय मिला के, अलॉय वलॉय सिस्टम वगैरह सब छोटी छोटी चीजें भी मिला के कह रहा हूँ। हाँ भाई टोटल ओवरऑल मिला के सारी चीज बता रहे हैं भाई। तो भाई हमने आपको सारी चीजें दिखा दी है, अपना डेली व्लॉगिंग चैनल भी आपको नीचे मिल जाएगा। ऐसी लग रही है भाई, है ना, काला झोटा ऐसी लग रही है, बहुत कैडी। तो आपको टोटल ओवरऑल सारी चीज दिखा दी। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।